हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। शिवपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो किसान रहते थे। वह एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों बहुत अमीर थे। उनके पास 3-3 खेत थे। उनके पास कई गायें और भैंसे भी थी। वे उस गांव के सबसे अमीर किसान थे। वह इतनी अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें इससे भी बहुत अमीर बनना था। उस गांव में इन दोनों किसानों के अलावा और एक किसान था जो गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश रहता था। वह अपना जीवन शांति से जीता था। वह सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता। वह दो अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। उसे इतना खुश देखकर वह इस सोच में पड़ जाते कि यह इतना खुश कैसे है जबकि वह हमसे बहुत गरीब है। उसके पास ज़्यादा धन भी नहीं है। उसके पास हमारी तरह खेत जायदाद गाय भैंसे भी नहीं हैं, तब भी वह इतना खुश कैसे रह सकता है। वह दोनों जब भी उसको मिलते तब उसका बहुत मजाक उड़ाते। वह उससे अपने धनवान होने का दिखावा करते। वह उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। फिर भी वह गरीब किसान उनको कुछ भी नहीं कहता। उस पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे वह अमीर किसान क्रोध में आ जाते। यह कहानी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन की बात है, उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसान को दुखी करने का सोचा। उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाय दे दो, उसके बदले हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे जो तुम्हारे गाय के लिए पर्याप्त है। उस किसान ने गाय बेचने के लिए मना कर दिया क्योंकि वह अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। गाय बेचने के लिए उस गरीब किसान का इनकार अमीर किसानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी। वह रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और सारी फसल जला दी जिससे वह गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वह गरीब किसान सुबह उठा और अपने खेत में गया तो वह अपनी खेत की ऐसी दशा देखकर दुख के कारण रोने लगा। वह बहुत उदास हो गया। उसके पास अब धन की कमी हो गई थी। अब उसके पास पर्याप्त इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी गाय को चारा लाकर खिला सके। बिना खाना खाए गाय मर जाती, इससे अच्छा वह अपनी गाय को बेच दे। इसलिए उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वह अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए गया। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के भी लिए थे। वहां रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा कि किसी ने मुझ पे हमला कर दिया तो मेरे चांदी के सिक्के वह लेकर चला जाएगा। इसलिए उसने चांदी के सिक्के की पोटली गाय के गले में बंधी घंटी में बांधकर छिपा दिए। थोड़ी देर मुसाफरी करने के बाद वह थक गया, इसलिए एक सराय में आराम करने का सोचा। उसने अपनी गाय को सराय के बाहर बांध दिया। वह बांध कर सराय में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का गिर गया जिसे उस सराय के मालिक ने देख लिया। उसको लगा कि यह एक जादुई गाय है जिसमें से चांदी के सिक्के निकलते हैं। यह चांदी का सिक्का भी उसी गाय से निकला है। जब वह गरीब किसान आराम कर सराय से बाहर निकला तब उस सराय के मालिक ने उसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब उस गरीब किसान ने जवाब दिया कि वह अपनी गाय को बेचने दूसरे गांव जा रहा है। यह सुनकर वह सराय का मालिक खुश हो गया। उसने कहा कि अब आपको दूसरे गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी गाय को खरीद लूँगा। उसने उस किसान को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे अपनी गाय को देने को कहा।
यह मूल्य उस गाय के मूल्य से बहुत अधिक था। फिर भी उस किसान ने इसे भगवान का संकेत समझकर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया। वह किसान खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। वह अपने घर जाकर बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। वह दोनों अमीर किसान आए और उस गरीब किसान के पास 1000 चांदी के सिक्के देखकर चौंक गए। उसने उस गरीब किसान से पूछा कि तुम्हारे पास इतना सारा चांदी के सिक्के कैसे आए। तब वह गरीब किसान मुस्कुराते बोला कि उसे गाय बेचने पर इतने सारे सिक्के मिले हैं। अब वह इन सिक्कों से बहुत सारी गाय खरीदेगा और उससे बहुत ज़्यादा धन कमाएगा। उनकी चाल उल्टी पड़ गई। यह जानकर अमीर किसान दुखी हो गए। इससे सीख क्या मिलती है कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।